हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप थ्री वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारा सा बैग डिज़ाइन। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसके लिए मैंने ले लिया है एक नॉनवेंड का शॉपिंग बैग, फोम और कपड़ा। कपड़ा मैंने लिया है 15x10 इंच का, और इन तीनों को मैं सिलाई करके अटैच कर लूँगी। फिर साइड से जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैं कट करके निकाल दूँगी। सेम इसी तरीके से दो पीस हमें रेडी करने हैं। अब मैंने दो स्ट्रिप रेडी करी है, 17 इंच की एक स्ट्रिप है, इसकी चौड़ाई आप समथिंग 1 इंच जितनी ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो रेडी पीस किया था हमने उसके साइड से हम 4 इंच पर दोनों साइड से मार्क कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमने जो स्ट्रिप रेडी करी थी उसे हम अटैच कर लेंगे। तो ये हमने स्ट्रिप को इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से सेकंड पीस पर भी मैंने अटैच कर लिया है। अब देखिए, इस पीस को जो जिस साइड पर हमने स्ट्रिप अटैच करी थी उसी साइड से दोनों साइड से 1 इंच पर मार्क करेंगे, और इस तरीके से क्रॉस में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करनी है दोनों साइड, और इसे हम कट कर लेंगे। तो इससे है ना, बैग का बहुत ही प्यारा सा शेप आएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर दोनों साइड से इसे कट कर लिया है। सेम इसी तरीके से जो दूसरा पीस था उसे भी हम रेडी कर लेंगे। अब हमें लेनी है जिप, और जिप को हम यहाँ पर उल्टी रखेंगे और फिर सिलाई करनी है। अब यहाँ पर सिलाई कर ली है मैंने, तो इस तरीके से सेकंड साइड पर टर्न करेंगे और प्रेस स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर हैंडल आपको आगे की तरफ खींच कर सिलाई करनी है। तो ये इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब जो दूसरा पीस है उसे हम लेंगे, और उसे हम जिप के साथ इस तरीके से सीधी सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। प्रेस स्टिच करने के बाद यहाँ पर हमें रनर ऐड कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने रनर को ऐड कर लिया है। अब मैंने एक और नॉन वन बैग का ही कपड़ा लिया है, और इसे मैंने लिया है 9x6 इंच का, और इस तरीके से हम इसके तीन साइड पर या चारों साइड पर फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर तीन साइड पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा ओपन पॉकेट रेडी हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ पर जिप भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों साइड पर सिलाई करके हम इसे फिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने कर ली है। अब ली है इस तरीके की स्ट्रिप इसी बैग की, और यहाँ पर मैं अटैच कर लूँगी इस तरीके से। सीधी सिलाई करके बस अटैच करना है। तो अच्छी फिनिशिंग के साथ ही हमारा रेडी हो चुका है। कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेंगे। अब मैंने एक और बैग रेडी कर लिया है। इसका मेजरमेंट है 11x4 इंच। अब ये जो बेल्ट है इसको हम फोल्ड करके इसका सेंटर निकालेंगे। तो दोनों साइड पर इसी तरीके से हमें सेंटर निकाल लेना है। अब देखिए, इस तरीके से आपको इसके सेंटर को जो साइड वाले सिलाई है ना वहाँ पर मैच करना है और अटैच करना है। तो एक सेंटर को मैंने इस तरीके से यहाँ पर मैच किया, यहाँ पर इस तरीके से सिलाई करेंगे, और फिर देखिए अच्छे से दूसरा सेंटर भी यहाँ पर सेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हम इस यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे सिलाई करके। तो ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पर भी जैसे साइड में हमने स्ट्रिप अटैच करके फिनिश किया था वैसे ही कर लेना है, और फिर रनर के पास से हम जिप ओपन करेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा ये एकदम मस्त वाला हमारा बैग बनकर रेडी हो चुका है। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। इसके अंदर भी हमने एक छोटा सा पॉकेट बनाया, और बहुत ही अच्छा इसका बॉटम है, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। सो गाइस, कैसा लगा आपको आज का ये छोटा सा आइडिया, कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।